बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वीक थ्री में आप सबको जो है वो ई रोजगार की टीम की तरफ से जो है वो मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और अगेन जिस तरह के आप लोगों को पता है, 5 मिनट्स जो है वो हम लोग वेट करेंगे पहले, ताकि सब लोग जो है वो इसको जो है वो ज्वाइन कर लें। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? लियोन हार्ट साहब, राणा फुरकान साहब और थर्ड वन जो है वो मुतीबा वही। उम्मीद है सारे आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। रमजान जो है वो सबको मेरी तरफ से आप सबको जो है वो रमजान मुबारक पे, और उम्मीद है अच्छी से तबीयत के साथ आप लोग जो है वो रोजे भी जो है वो रखते हो। जी वालेकुम सलाम। एंड जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी सारे जो है वो खैरियत से होंगे। अच्छा, दूसरा आप लोग जैसे जैसे जो है वो सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, लाइक 11 लोग हैं जिन्होंने इसको जो है वो स्ट्रीम को ज्वाइन किया अभी, तो अटेंडेंस लिंक जो है वो मैंने ऊपर इसी पोस्ट में जो है वो ऐड कर दिया है, तो आप लोग अटेंडेंस जो है वो लाजमी वहाँ पे लगा दें, क्योंकि अटेंडेंस शायद कुछ लोग जो है वो भूल जाते हैं। आप लोगों ने डेली बेस के ऊपर भी गूगल फॉर्म जो है वो फिल करना होता है, ठीक है? तो अभी स्ट्रीम में वेट कर रहा हूँ बाकी सब लोगों का, ताकि वो ज्वाइन कर लें। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम, और आपकी तरफ से भी जो है वो वालेकुम सलाम। ठीक है, सिर्फ स्टिल 2 मिनट्स और मैं जो है वो वेट करता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग आज का अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी जो है वो खैरियत से होंगे और रमज़ान की बरकतें जो है वो समेट रहे होंगे। अच्छा, अभी मीन वाइल जितने जब तक बाकी लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने बताया था मंडे को मेरा ना एक क्वेश्चन होता है सबसे। मंडे को ये क्वेश्चन मेरा होता है कि आप लोग कौन सी नई स्किल जो है वो आज इस वीकेंड पे सीख के आए हैं। तो अगेन मंडे को मेरा जो है वो एक क्वेश्चन होता है सबसे, उसका कमेंट्स में जो है वो आंसर दे दें मुझे कि इस वीकेंड के ऊपर आप लोग कौन सी जो है वो नई स्किल सीख के आए हैं।
आप लोग सब लोगों ने जो है वो अपने अपने ड्रीम्स लिखे थे, पिक्चर्स जो है वो सेंड की थी। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आप लोग कितनी मेहनत जो है वो कर रहे हैं, या स्टिल अभी भी पैसिव मोड के अंदर हैं कि जब तक मैं कोई स्किल नहीं करवाता आप लोगों ने भी नहीं करनी। तो कौन कौन सी नई स्किल जो है वो सीख के आए हैं? गुड पाइथन ऑटोमेशन, गुड कैनवा डिजाइनिंग, फाइवर एसईओ एंड प्रोफाइल बिल्डिंग सिंस लास्ट वीक, वेक्टर आर्ट जो है वो सीख के आए हैं। अच्छा जी, और बाकी लोग जल्दी से मुझे बता दें कौन सी नई स्किल जो है वो आप लोग सीख के आए हैं। कैनवा डिजाइन जो फ्राइडे को लेक्चर अपलोड हुआ था वहां से, ठीक है। कैनवा डिजाइनिंग एंड फाइवर एसईओ एंड एफबी फ्रॉम यूट्यूब, गुड। जी और बाकी सब लोग कौन सी नई स्किल जो है वो आप लोग सीख के आए हैं? अभी असल में मैं चेक करना चाह रहा था कि आप लोग माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में आए हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट क्या क्या चीजें जो है वो आप लोग सीख के आए हैं। तो अभी कुछ मुझे जो है वो चीजें मिली हैं, सारा ये मेड टाइम, फेसबुक एड्स एंड हैव एक्सप्लोर कैनवा, जी गुड। अगर आप एड्स पे काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा चले आज का जो है वो टॉपिक हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है, वो जो है वो सुन लें। एक तो जो है वो अटेंडेंस लिंक मैंने जो है वो इसी पे जो है वो अपलोड कर दिया है, इसी पोस्ट पे अटेंडेंस जो है वो सब लोग आते हैं, प्लस कुछ ये मैं नेम जो है वो बोलने लगा हूँ। ये लोग अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहे हैं अपने गूगल फॉर्म में, तो इनके नेम जो लाइक ये फेसबुक प्रोफाइल नेम है हमारे पास अभी, इनके मलिक उमैर साहब है, उस्मान आशिक साहब है, अब्दुल कदीर साहब है, मोहम्मद हारिस, तैयब खान, तैयबा रांझा, मोहम्मद सलमान तारिक, मोहम्मद हामिद जावेद, चौधरी जवाद, यासिर इकबाल, मोहम्मद आकिल, राना मुनफर जरीफ, सिंड्रेला स्पैरो, ब्रेवो ख्वाजा, सकलैन हमीद, जरेर शफीक, यासिर इमरान, अजीम सिद्दीकी, उमर गिल, मोहम्मद तैमूर, वकास अहमद, अहमद कमाल, तैयब परवेज, हसन अली और हुमैरा नाज। ये लोग जो है वो काइंडली अटेंडेंस जो है वो डेली बेस के ऊपर लगाएं, अदरवाइज अटेंडेंस शार्ट होने की वजह से आपका सर्टिफिकेट का मसला बन सकता है। प्लस आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस ग्रुप में सिर्फ वही लोग हैं जो क्लास में रजिस्टर्ड थे और जो एक्टिव रहेंगे, अदरवाइज हमें जो है वो शार्ट लिस्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो काइंडली अटेंडेंस जो है वो अपनी लाजमी जो है वो मार्क करें। तो अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है। प्लस अगर किसी का कोई प्रीवियस क्वेश्चन हो जो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था उसके हवाले से अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम तक जो है वो कंट्री रेस्ट्रिक्शन और एज रेस्ट्रिक्शन तक जो है वो काम किया था। तो प्लस एक चीज जो है वो यहाँ पे शायद मेरे अभी माइंड में नहीं है कि मिस हो गई थी या मैं आप लोगों से जो है वो डिस्कस कर चुका था कि प्रीवियसली क्या होता था कि अगर हम लोगों ने अपने फेसबुक की पेज ऑडियंस डिफाइन करनी है, पेज ऑडियंस डिफाइन करने का मतलब हम लोग एज, जेंडर, उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, इसके अलावा लोकेशन, इन चीज़ों के बेस के ऊपर अपने फेसबुक पेज की ऑडियंस जो थी वो डिफाइन कर सकते थे हम लोग।
ठीक है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ दो चीजें जो है वो रह गई हैं। एक हमारे पास जो है वो एज रह गई है, और सेकंड जो है वो लोकेशन हमारे पास जो है वो रह चुकी है। ठीक है, ये दो चीजें जो है वो हमारे पास रह गई हैं, और बाकी सब चीजें जो है वो फेसबुक ने खत्म कर दी हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे भी जो है वो देखें, तो हमारे पास बेसिकली जो है वो क्या आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, सॉरी फॉर दैट, लाइट का थोड़ा सा जो है वो इशू था, उसको जो है वो सॉल्व करने की ट्राई की है, यूपीएस को जो है वो ऑन करके। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को मैं बता रहा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एज और लोकेशन की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एज रेस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे पास आ रही है, और प्लस कंट्री रेस्ट्रिक्शन जो है वो आ रही है। इनको हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर कंट्री में जाएं तो हम लोग स्पेसिफिकली कंट्रीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ऐड जो है वो शो हो, और किन कंट्रीज के अंदर हमारा ऐड जो है वो शो ना हो। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो यहाँ से डिसाइड जो है वो कर सकते हैं। तो प्लस एज रेस्ट्रिक्शन की अगर जो है वो हम लोग बात करें, तो एज रेस्ट्रिक्शन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, ये जो बाकी ऑप्शंस मेरे पास जो है वो आ रही थी, इसके लिए अब फेसबुक ने एक लिमिट जो है वो लगा दी, और फेसबुक की लिमिट ये है कि आपके पास एटलीस्ट 30,000 लाइक्स होने चाहिए। बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे अपने पेज को प्रॉपर नैरो डाउन करने के लिए, कि हमें एग्जैक्टली यही जो है वो ऑडियंस चाहिए। ठीक है, दोबारा से जो है वो मैं बता देता हूँ, प्रीवियसली हमारे पास ऑप्शन थी कि हम लोग अपने फेसबुक पेज की ऑडियंस को एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते थे, कि किस एज के लोग जो है वो हमें इस पेज पे चाहिए, किस जेंडर के लोग जो है वो चाहिए, इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर, लोकेशन, ये सारे हम लोग खुद से डिफाइन कर सकते थे। अभी हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन रहती हैं, एज और लोकेशन की। अगर बाकी ऑप्शंस भी आप लोग जो है वो ऑन करना चाहते हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट 30,000 लाइक्स जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो होने चाहिए, उसके बाद जो है वो हम लोग अपनी प्रेफर्ड पेज ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें प्रेफर्ड पेज ऑडियंस में भी यही सेम चीज इंशाल्लाह डिस्कस होगी। उसके बाद नेक्स्ट है पेज मॉडरेशन। पेज मॉडरेशन में क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, पोस्ट जो है वो, या कमेंट्स वगैरह, अगर पोस्ट या कमेंट्स में वो स्पेसिफिक वर्ड्स हो तो वो मेरे पेज पे पोस्ट नहीं होने चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल, मैं अक्सर लोग क्या करते हैं, इवन मैंने कुछ एड्स देखे हैं, गूगल के अपने एड्स जो है वो चल रहे हैं, फेसबुक के एड्स चल रहे हैं, लोग वहां पे क्या करते हैं, अपनी फाइवर की प्रमोशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, फाइवर के लिंक्स जो है वो देना शुरू कर देते हैं, या अपनी वेबसाइट के जो है वो लिंक जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, .com, ठीक है, इसको जो है वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद .net, इसको ऐड कर सकते हैं, .info, ये ऐड हो गया। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक वर्ड्स अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि वो आप लोग ब्लॉक कर दें अपने पेज के ऊपर, तो आप लोग जो है वो यहाँ से उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वर्ड्स जो है वो ज्यादा है आपके पास, तो फिर आप लोग यहाँ पे उसको CSV के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे CSV फाइल भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज की जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आप लोग जो है वो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना, सेव चेंजेस कर देंगे। तो जो नॉर्मली स्पैमिंग हो रही होती है, लोग अपने वेबसाइट के लिंक्स वगैरह जो है वो उसमें ऐड कर रहे होते हैं, गिग्स, प्रमोशन, या इस तरह से जो है वो चीजें, तो वो आप लोग जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ रहा है प्रोफेंटी फिल्टर्स, लाइक किसी किस्म की कोई लाइक रेस रिलेटेड, नस्ल से रेलिवेंट चीजें,
जिस तरह ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का कंसेप्ट है यूएस के अंदर, या इसी तरह कोई किसी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स वगैरह को जो है वो टारगेट जो है वो नहीं करना, तो इसको जो है वो ऑफ अभी जो है वो रहने दें, ठीक है। यहाँ पे अभी इसमें प्रोफेंटिव फिल्टर में भी आ रहा है, यू कैन चूज वेदर टू ब्लॉक प्रोफेंटिव फ्रॉम योर पेज एंड व्हाट डिग्री, फेसबुक डिटरमाइन व्हाट टू ब्लॉक द मोस्ट कॉमन कमेंट्स वगैरह जो है वो आ जाएगा। उसके बाद सिमिलर पेज सजेशंस, जैसे आप लोग जो है वो कोई भी एक पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे सिमिलर पेज सजेशंस जो है वो आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग ऑप्शन को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो मौजूद है, तो इसको जो है वो आप पे डिपेंड करता है, इसको अगर ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेज अपडेट्स, पेज पोस्ट आर ऑटोमेटिकली पब्लिश व्हेन यू अपडेट पेज इन्फो माइलस्टोन रिसीव रिव्यू मोर, या कोई इस तरह की भी जो ऑप्शन अगर आपको आती है तो ऑटोमेटिकली पब्लिश पेज पे भी हो जाएगा, या उसको आप लोग खुद से मैनुअली चेक करना चाहते हैं। अगर इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो जस्ट एग्जाम्पल, जैसे ही आप लोगों ने कोई एक माइलस्टोन अचीव किया 1000 जस्ट एग्जाम्पल आपके पास जो है वो लाइक्स हो गए, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा फेसबुक की तरफ से कि आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर ये ऑप्शन ऑलरेडी जो है वो टिक होगी तो फिर आप ये ऑटोमेटिकली, जस्ट एग्जाम्पल 1000 लाइक्स हुए, माइलस्टोन अचीव हुआ, फेसबुक जो है वो अपनी तरफ से पोस्ट जो है वो आपके पेज के ऊपर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर अक्सर आपने जो है वो देखा होगा पोस्ट अरेबिक के अंदर है, फ्रेंच में है, जर्मन में है, लेकिन हमारे पास नीचे जो है वो लाइक ट्रांसलेट की ऑप्शन ये नेक्स्ट आ रही होती है। और अगर आप लोगों का पेज मल्टीपल लोकेशन से मैनेज हो रहा है, जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही है, वहां पे उर्दू पे भी पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में भी, अरेबिक में भी डिफरेंट जो है वो पोस्ट देख सकते हैं, तो इस ऑप्शन को आप लोग चूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर पोस्ट करनी है, ट्रांसलेट की ऑप्शन ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देती है, ये ऑलमोस्ट हर पेज के लिए ऑन ही ऑप्शन होती है। तो ये जो मैं बता रहा था कि आप लोग अरेबिक पेजेस देखें, जर्मन, फ्रेंच वगैरह, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेट करके दे रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कमेंट रैंकिंग। अब ये लाइक बड़े मजे की चीज है, आप लोग अक्सर देखते हैं जो वायरल पोस्ट होती है उनपे हजारों की तादाद के अंदर जो है वो कमेंट हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लोग प्रीव्यू में देखते हैं, मोबाइल पे आपको कोई पोस्ट नजर आ रही होती है या आप लोग लैपटॉप पे वो पोस्ट देखते हैं, तो आपको अपने किसी ना किसी फ्रेंड का जो है वो कमेंट जो है वो नजर आ रहा होता है। जब आप लोग सी मोर कमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं, तो वो शायद आपको ढूंढना पड़ता है कि वो जो मेरे फ्रेंड ने जो है वो कमेंट किया हुआ था वो कहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होती है, सी मोस्ट रेलिवेंट कमेंट्स बाय डिफॉल्ट, इसको ऑन कर दें तो ये होगा कि जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस होगी उनसे जो भी रेलिवेंट कमेंट होगा वो उनको नजर आएगा, और इसी वजह से ऑडियंस जो है वो एंगेज होती है। अगर जस्ट इन केस एक पोस्ट के ऊपर 1000 जो है वो कमेंट्स आए हुए हैं, मेरे भी जो है वो 10-15 लोगों ने उस पर कमेंट किए हुए हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ रेलिवेंट लोग शो हो रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि वो लोग उस पर एंगेज हो रहे थे कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, एंगेजमेंट जो है वो अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लाइक प्रोविड डाउनलोडिंग टू फेसबुक, अगर जो है वो डाउनलोडिंग फेसबुक के ऊपर जो वीडियोस वगैरह उनको अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, इवन आप लोग क्या करते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह भी जो है वो यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो वीडियो डाउनलोड नहीं होती, उसको एज अ प्राइवेट कंसिडर कर रहे होते हैं, या इस तरीके से, तो ये ऑप्शन है। डाउनलोड पेज, इसका क्या मतलब है, आप लोग अपने पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट आपने पोस्ट किया हुआ था, जितनी इमेजेस वीडियोस वगैरह की हुई थी, वो आप लोग एक ही दफा के अंदर आप लोग जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास मर्ज पेजेस की। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास मर्ज पेजेस। अगर इसमें लर्न मोर में जाऊं तो हमें कुछ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे मिलेंगी कि हम लोग पेजेस को, दो डिफरेंट पेजेस को मर्ज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर दो पेजेस को मर्ज करने जा रहे हैं तो आपको एडमिन होना पड़ेगा दोनों का। दोनों पेजेस का अगर आप लोग एडमिन हैं तो आप लोग पेजेस को मर्ज कर सकेंगे, अदरवाइज आप लोग मर्ज नहीं कर सकेंगे। ये पहली रिक्वायरमेंट है।
उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों के नेम जो है वो सिमिलर होने चाहिए और सेम थिंग को रिप्रेजेंट करने चाहिए। ये ना हो कि एक ई कॉमर्स से रेलिवेंट हो, दूसरा कंसल्टिंग सर्विसेज हो। तो अक्सर क्लाइंट्स बेसिकली क्या करते हैं, उनसे ये गलती हो जाती है कि वो जब पेज बना रहे थे तो एक बन गया, लेकिन उन्हें फिर याद नहीं रहा, फिर दूसरा बन गया, और जब वो अपने पेज ऑप्शन में देख रहे होते हैं तो दोनों पेज ही शो हो रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनका नेम अगर डिफरेंट होगा तो नेम खुद से जो है वो चेंज करना है और कैटेगरी वगैरह चेंज करना है। उसके बाद अगर आपका पेज फिजिकल लोकेशन के लिए है तो फिर आप लोगों का एड्रेस भी पेज के ऊपर सेम होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये पहली दो रिक्वायरमेंट जो है वो आपने फुलफिल करनी है। पहला आप एडमिन होने चाहिए, दूसरा पेज नेम्स सेम होने चाहिए, उनकी कैटेगरी जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड अगर फिजिकल लोकेशन के लिए आपने पेज बनाया हुआ है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, वो फिजिकल लोकेशन जो एड्रेस होगा वो भी आपके पास जो है वो होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये मर्ज की ऑप्शन के ऊपर आना है। ठीक है, मर्ज डुप्लीकेट पेजेस के ऊपर आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे, पासवर्ड देंगे, और उसके बाद जो है वो आप लोगों को बेसिकली ये उस पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आप लोग मर्ज करना चाह रहे हैं। अब ये चीजें जो है वो आ रही है पर के हवाले से। ठीक है, ये अब दोनों पेजेस के नेम आप लोगों ने यहाँ पे दे देने हैं जिनको जो है वो मर्ज करने जा रहे हैं। अब ये देखें, थिंग्स टू रिमेम्बर अगेन वही आ रहा है कि मर्ज रिक्वेस्ट उसी टाइम कर सकते हैं जब आप लोग एडमिन होंगे पेज के। अगर क्लाइंट आपको एज अ डिटेल एक्सेस देता है और कहता है कि पेजेस को मर्ज कर दें, आप लोग नहीं कर सकेंगे, रिप्रेजेंट सिमिलर सेम थिंग और नेम सेम होने चाहिए, और अगर वो सेम नहीं होंगे तो वो द पेज में भी परमानेंटली अनपब्लिश जो है वो हो जाएंगे और आप लोग उनको पब्लिश नहीं कर सकेंगे। ये चीज याद रखना है, क्लाइंट का अच्छा खासा लाइक पैसा लगा हुआ होता है, पोस्ट होती हैं, और आप लोग जो है वो उन पेजेस को मर्ज कर देते हैं, आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पता, तो क्लाइंट का अच्छा खासा नुकसान आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो पेज मर्ज हो जाएंगे तो दोबारा से आप लोग उनको वापस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने आपके पेजेस को लाइक किया होगा उन्हें भी पता चल जाएगा कि ये पेजेस मर्ज होने जा रहे हैं और इसमें कुछ दिन जो है वो लग सकते हैं। कंटेंट मर्ज पेजेस सच एज पोस्ट, फोटोज, यूजर नेम विल बी डिलीटेड ड्यूरिंग द मर्ज, ये दोनों जो है ये चीजें जो है वो डिलीट हो जाएंगी। लाइक्स चेक इन फ्रॉम बोथ पेजेस विल बी कंबाइंड और शोन टू रिमेनिंग पेज। ठीक है, ये अब जो है वो ये चीजें आपने याद रखनी है, जिस पेज को जिसमें मर्ज करने जा रहे हैं, यानी मेन पेज की चीजें रहेंगी लेकिन जिसको आप मर्ज कर रहे हैं उसकी पोस्ट, फोटो, यूजर नेम सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, सिर्फ लाइक, शेयर, चेक इन वगैरह जो है वो कंबाइंड रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये मर्ज पेज के हवाले से कुछ ऑप्शन थी जो आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद रिमूव पेज की ये ऑप्शन है। एक क्वेश्चन भी जो है वो मेरे पास आया था कि लाइक अगर हम लोग अपने पेज को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास, ये परमानेंटली डिलीट आ रहा है। अगर तो न्यू पेज है आपका उसी टाइम डिलीट हो जाएगा, अगर पेज पुराना है, लाइक शेयर कमेंट्स पोस्टिंग वगैरह हुई है, तो 14 डेज तक आपको ये रिमाइंडर देंगे और 14 डेज का टाइम देंगे, आपको नोटिफिकेशन भी भेजेंगे। अगर जो है वो लाइक जो है वो उन 14 डेज में आपने दोबारा से आपका माइंड चेंज ना हुआ तो फिर ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल ऑप्शंस थी। इन जर्नल ऑप्शन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं ताकि उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, पेज इन्फो के ऊपर। तो जर्नल के हवाले से किसी जो भी जर्नल सेटिंग्स हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि उसको जो है वो मैं रिजॉल्व कर दूँ उस क्वेरी को, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है वो चलें। अच्छा जी, उतनी देर क्वेश्चंस भी जो है वो आप लोगों के देख लेते हैं। जी काशी ब्रदर साहब, एक्सेस जो है वो लाजमी है और एडमिन एक्सेस जो है वो चाहिए, सिंपल एडिटर एक्सेस वगैरह से जो है वो आप लोग ये काम जो है वो नहीं कर सकेंगे।
प्रोफेनिटी फिल्टर बेसिकली हसन साहब लाइक अब्यूसिव लैंग्वेज या किसी बेसिकली जेंडर को टारगेट करना, किसी रेस को टारगेट करना, इस तरीके से होता है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसको फिल्टर लगाते हैं। अगर आप लोग अब्यूसिव लैंग्वेज या किसी चीज के बारे में जो है वो अब्यूसिव लैंग्वेज वगैरह यूज कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो डिलीट कर देंगे। अक्सर आपने देखा होगा बाज़ुकात हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर कमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, या कोई वीडियो वायलेंट वीडियो वगैरह जो है वो पोस्ट करते हैं किसी की ब्रूटैलिटी दिखाने के लिए तो वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। ठीक है जी, बाकी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं, अदरवाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मेहर हट साहब का कोई चीजें सारी क्लियर है, बाकी सब लोग भी जी मुझे बता दें एक दफा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, अदरवाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ अभी दो रिप्लाई आए हैं मेरे पास, तीन चार। ठीक है, बाकी लोग भी एटलीस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड किया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग जो है वो सुन रहे हैं और इन ये चीजें बताने का आप लोगों को फायदा भी जो है वो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं पेज इन्फो के ऊपर। ये देखें, पेज इन्फो में सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्शन सेक्शन आ रहा है और इसकी लिमिट है 255 करेक्टर्स, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, 255 करेक्टर्स तक की लिमिट जो है वो आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, स्मार्ट होम्स सप्लाई इज, स्पेशलाइज्ड बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन सर्विसेज। ठीक है, ये मैंने कर दिया और उसके बाद इसको क्या कर दिया, सेव। पहली चीज जो है वो मेरे पास डन होगी, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे। अब आप मल्टीपल कैटेगरीज भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग फेसबुक पेज बना रहे थे तो आप लोगों को याद होगा उस टाइम पे एक ही सिर्फ कैटेगरी पूछी गई थी। अब आप अगर आप लोग मल्टीपल कैटेगरीज इसमें ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप लोग ये वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर है, अगर आप लोग अपने पेज का फोन नंबर वगैरह देना चाहें। नॉर्मली क्लाइंट की वेबसाइट से आप लोग जो है वो फोन नंबर उठाते हैं और यहाँ पे जो है वो दे देते हैं, एक्सटेंशन वगैरह हो तो वो प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को टिक करते हैं, माई पेज डजंट हैव अ फोन नंबर। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट का एड्रेस जो है वो यहाँ पे देते हैं, अदरवाइज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माय पेज डजंट हैव वेबसाइट। ईमेल एड्रेस, ठीक है, अगर कोई स्पेशलाइज्ड ईमेल एड्रेस आपके बिजनेस का है जिस तरह होता है, जैसे एग्जांपल इन्फो एट स्मार्ट होम सप्लाई या एडमन एट दिस और समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सेव चेंजेस, माय पेज डजंट हैव ईमेल। उसके बाद अगर आप लोग फिजिकल एड्रेस जो है वो देना चाहें, फिजिकल एड्रेस भी दे दें, अदरवाइज इसको जो है वो अनचेक कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आप फिजिकल प्रॉपर बिजनेस है आपका तो लाजमी एड्रेस जो है वो दें ताकि चेक इन वगैरह भी ज्यादा हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो आवर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स है, यहाँ पे ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स, ऑलवेज ओपन, नो आवर्स अवेलेबल, परमानेंटली क्लोज। ठीक है, ओपन फॉर अगर आपके जस्ट एग्जांपल मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आप लोग टाइम जो है वो यहाँ पे मंडे से फ्राइडे 9 से 9 to 5 जो है वो ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट कर It's दिया, 12 o'clock. तो ये 9 to 5 टाइम जो है वो सिलेक्ट हो गया। अगर और जो है वो अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस दरमियान किसी किस्म का कोई जो है वो ब्रेक आता है इसके दौरान तो आप लोग ब्रेक भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जैसे एग्जाम्पल 9 to हम लोग क्या करते हैं 13, ठीक है,
9 to 13 हो गया, और उसके बाद 14 मीन्स 2 बजे से लेकर 17 5 बजे तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स भी जो है वो जो भी स्पेसिफिक डेज के अंदर होंगे वो भी ऐड जो है वो कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने सेव चेंजेस कर देना, और ये आप जो है वो आपके पेज के ऊपर शो होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेम्पररी सर्विस चेंज अगर जो है वो टेम्पररी क्लोज है, जस्ट एग्जाम्पल आजकल जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से फिजिकल जितने भी शॉप्स वगैरह वो क्लोज हैं, तो आप लोग इसको जो है वो टेम्पररी क्लोज कर सकते हैं। ओपन विद सर्विस चेंजेस, अगर कोई आप लोगों ने नई सर्विसेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिस तरह अक्सर आप लोगों ने देखा होगा न्यू स्टाफ के साथ न्यू अमले के साथ इस तरह की ऑफर होती हैं, तो आप लोग यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, या आप लोग नो चेंजेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये ऑप्शन सिर्फ आ रही है कोविड की वजह से, यहाँ देखें चूज एन ऑप्शन टू इंडिकेट हाउ योर सर्विस हैज चेंज ड्यू टू द कोरोना वायरस की वजह से, अगर जो है वो चेंज, अगर कोई चेंजेस नहीं है टेम्पररी क्लोज है, जो भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इम्प्रेसम, इम्प्रेसम बेसिकली ये ऑस्ट्रिया जर्मनी स्विट्जरलैंड वगैरह के लिए होता है, जहाँ पे बिजनेसेस को स्टेटमेंट जो है वो लास्ट स्टेटमेंट एक जो है वो प्रोवाइड की जाती है, वो आप लोग अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम 2000 करेक्टर्स की लिमिट है, लेकिन मैंने आजकल ऐसा बिजनेस नहीं देखा जिसने ये चीजें जो है वो ऐड की हो इम्प्रेसम से रेलिवेंट, अगर आप लोग करना चाहें तो फ्लैट से पूछ के कर सकते हैं। प्राइस रेंजेस, अगर आप लोग स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स हैं तो प्राइस रेंजेस आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक 1 फिगर में या 2 में 3 में 4 में या अनस्पेसिफाइड, ये इट्स अप टू यू, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप लोग अपनी ऐड कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं पेज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें पेज इन्फो से रेलिवेंट थी। उसके बाद हम लोग आते हैं मैसेजिंग पे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप लोग जो है वो डायरेक्टली किसी को भी लिंक सेंड करना चाहें ताकि वो आपके पेज के ऊपर जो है वो डायरेक्टली आप लोगों को मैसेज कर सकें, तो ये लिंक होगा m.me/, जो मैंने यूजर नेम रखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टिल यूजर नेम नहीं रखा तो वो -123 नंबर्स वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, डायरेक्टली मैसेंजर लिंक जो है वो दिया जाता है, लोग वहाँ पे आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। एड मैसेंजर टू वेबसाइट, अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं साइट पे एक मैसेंजर बटन जो है वो छोटा सा जो है वो आ रहा होता है, तो ये कुछ एडवांस चीजें हैं, कोडिंग वगैरह जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी, उस चीज में जो है वो मैं नहीं जाता। यहाँ पे हम लोग आते हैं ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज के ऊपर, ठीक है। इसको सेटअप पे क्लिक किया तो हम लोग जो है वो ये मैसेजेस सेक्शन में ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज में जो है वो आ गए, ठीक है। सबसे पहले अवे मैसेज, अवे मैसेज क्या होता है, जिस तरह अभी हम लोगों ने क्या किया 9 to 5 टाइम जो है वो सिलेक्ट किया है, अगर 5 के बाद कोई हमें जो है वो कॉन्टेक्ट करता है तो हम लोग ये ऑटोमेटिक मैसेज जो है वो उसको चला जाएगा। जैसे एग्जांपल, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट गेटिंग इन टच। अगर इसको फर्दर पर्सनलाइज आप लोग करना चाहें तो जैसे एग्जाम्पल हाय, और यहाँ पे एड पर्सनलाइजेशन में जो भी होगा फर्स्ट नेम जो है वो ऐड करती है। अब यहाँ पे क्या है, क्या है ये देखें, हाय मोहम्मद, लाइक मोहम्मद अली इस प्रोफाइल का नेम है, फर्स्ट नेम इसने पिक कर लिया, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर नॉट हियर, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइम जो है वो आप लोग टाइम जोन प्लस GMT है, टाइम जो है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि अवे मैसेज कब आपके पास जो है वो शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ टाइम जो है वो आपके पास जो है वो चल रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल संडे को जो है वो शो होना चाहिए, सैटरडे को जो है वो शो होना चाहिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक टाइम जो है वो आपके पास आ रहा है। इसके अलावा मैं टाइम ऐड करता हूँ तो मंडे को, अगर जो है वो हम लोग करना चाहें मंडे को कितने बजे से कितने बजे तक हम लोग जो है वो करवाना चाह रहे हैं, जैसे एग्जांपल 17 से लेकर सुबह 9 बजे तक, तो मैं जो करता हूँ 9:00 नेक्स्ट, यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो ये अवे मैसेज शो होगा। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे,
और उसके बाद वैसे फ्राइडे है, ठीक है। तो ये देखें, अब अवे मैसेज ये जहां जहां पे जो जो टाइम पीरियड आपके पास रेड आ रहा है, ये जैसे इस टाइम पीरियड में कोई भी मैसेज करेगा पेज के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है वो उसको चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना अवे मैसेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये सेव चेंजेस की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, ताकि ये ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है इंस्टेंट रिप्लाई की, ठीक है। इंस्टेंट रिप्लाई में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आया आप लोग, इंस्टेंट रिप्लाई क्या होता है, जैसे किसी ने आपको जो है वो मैसेज किया, तो पहला मैसेज उसको जो है वो किया जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, थैंक्स फॉर कंटेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। अगेन इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पर्सनलाइज जो है वो कर लेते हैं। और यहाँ पे एड पर्सनलाइजेशन फर्स्ट नेम के साथ जो है वो हम लोग उसको मुखातिब करेंगे, थैंक्स फॉर कंटेक्टिंग विद अस, वी रिसीव योर मैसेज एंड आवर टीम विल गेट इन टच शॉर्टली, ठीक है। तो ये एक मैसेज जो है वो ऑन कर दिया मैंने, और उसके बाद इसको कर दिया, ठीक है। तो ये इंस्टेंट रिप्लाई फौरी तौर पे जो है वो उसको चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आते हैं, आप लोग खुद से जो है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं ऐड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मिसाल के तौर पे व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर सर्विसेज, ठीक है। और ऑटोमेटेड जो है वो आपके पास आ जाएगा, जैसे एग्जांपल वी आर प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज ऑन, जैसे एग्जांपल $10 पर आवर, ठीक है। अब ये मैसेंजर में ऑटोमेटिक इस तरह से ये आपके पास प्रीव्यू भी शो हो रहा है, आ रहा होगा। और अगर क्लाइंट हमारा जो होगा वो आस्क बटन पे क्लिक करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कमेंट में आ जाएगा, और उसका ये ऑटोमेटिक रिप्लाई जो है वो चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई अटैचमेंट ऐड करना चाहें, कोई बटन ऐड करना चाहें, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर मोर, जस्ट एग्जांपल फॉर मोर इंफॉर्मेशन ओवर वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड बटन हम लोग लगा देते हैं, विजिट वेबसाइट, और इसमें हम लोग ये मैंने जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह अगर अटैचमेंट वगैरह भी ऐड करना चाहें, तो अटैचमेंट भी हम लोग जो ऐड कर सकते हैं, और इसको फिर मैंने सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब ये आपके पास क्वेश्चंस मेन्यूज वगैरह जो है वो ये आपके पास इस तरह से, अगर मैसेज किसी ने टाइप करना है यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चंस जो है वो पूछने होंगे तो इस तरीके से आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। पेज रिकमेंड की ऑप्शन, किसी को रिकमेंड करना है, नॉट रिकमेंड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, अगर जॉब से रेलिवेंट आपके पास है और आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन वगैरह रिसीव होती है, तो आप लोग इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट्स के हवाले से रिमाइंडर्स लगाना चाहें, तो ये भी कर सकते हैं। फॉलो अप मैसेजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी सेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी मैसेजेस के हवाले से, जिनकी जो है वो हमें जरूरत होती है। अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को पहले रिस्पांस क्वेश्चंस का रिस्पांस दे दूं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू गेट लाइक्स सर, अमार साहब, सबसे पहले लाइक्स हासिल करने का तरीका ये है, वैल्यूएबल कंटेंट दें, ताकि लोग खुद से जो है वो आपके पेज को लाइक करें, ठीक है। अदरवाइज अक्सर क्लाइंट क्या कहते हैं कि मुझे तो फौरी जो है वो रिजल्ट चाहिए, मुझे 100, 150, 200 लाइक्स जो है वो चाहिए। तो फिर उस सूरत के अंदर हम लोग रोबोटिक लाइक्स या फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसपे लाइक फॉर लाइक आप उनके पेज को लाइक करें, वो आपके पेज को लाइक करते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं। सर पेज इन्फो में प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा जी फुरकान साहब, अगर आप लोगों को GDPR के बारे में पता हो, GDPR अभी रिसेंटली जो है वो लाइक तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है GDPR रूल्स, ठीक
ठीक है, इनको रूल कर लेते हैं, या है जिसकी वजह से लाइक कुछ ब्लेम्स थे फेसबुक के ऊपर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये लोग क्लाइंट्स डाटा जो है वो यूज करते हैं, तो फिर उसके बाद एक रूल्स एंड रेगुलेशन बने जिनको GDPR रूल्स जो है वो कहा जाता है। उसके बाद अब लाजमी हो गया है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी जो स्पेशली यूरोपियन यूनियन के अंदर, US वगैरह के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लाजमी देंगे, वो क्लाइंट का डाटा किस तरीके से यूज करेंगे आगे, किसी और के साथ तो शेयर नहीं करेंगे, या इस तरह से रेलिवेंट चीजें। तो उसके बाद फेसबुक ने भी ये ऑप्शन दे दिया है कि जो भी आप लोगों की प्राइवेसी पॉलिसी होगी, जिसमें आप लोगों ने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया होगा कि हम लोग क्लाइंट्स डाटा जो है वो किस तरीके से यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोग उसमें प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे पास प्राइवेसी पॉलिसी टेम्पलेट्स पेड ही मिलते हैं सर, कोई वेबसाइट जहाँ से फ्री टेम्पलेट्स मिल जाए। ये प्राइवेसी पॉलिसी के फ्रीली टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उसमें कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स आपके पास हैं, आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो करते चले जाएं, और उसमें कुछ चीज़ें वो पेड कर कहेंगे कि ये अगर 7 चीज़ अटैच करनी है तो पेड है, उसको स्किप कर दें, तो वहां से बेसिक जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी टेम्पलेट जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। कुछ कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी बेसिकली ऑलमोस्ट सबकी जो है वो सेम ही होती है, ठीक है, उन्होंने भी मुख्तलिफ कहीं ना कहीं से जो है वो चीजें उठाई होती हैं, अनलेस कोई बहुत ज्यादा लॉस के ऊपर अगर फोकस कर रहा हो तो वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लॉयर्स वगैरह से बनवाते हैं, तो वो उस टाइम जो है वो देख सकते हैं, अदरवाइज किसी दूसरी वेबसाइट से जाके प्राइवेसी पॉलिसी चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस नेम और चीजें जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। हसन साहब, फ्रिक्वेंटली आस्क में चीजें जो है वो सेव नहीं हो रही, मेरे पास जो है वो सेव हो चुकी हैं, आप लोग हसन साहब एक दफा दोबारा से चीजें जो है वो देख लें, लाइक जब आप लोग एडिट में आते हैं तो यहाँ पे ये सेव की ऑप्शन है, इसको करके देख लें, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये आपके सामने जो है वो सेव किया, तो यहाँ पर मेरे पास सेटिंग जो है वो सेव हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टेम्पलेट एंड टैब्स के हवाले से, ठीक टेम्पलेट एंड टैब्स में आए तो यहाँ से अभी ऑटोमेटिकली ये सर्विसेज जो है वो सिलेक्ट है टैब में पास, अगर इस पे एडिट पे जाएं तो यहाँ पे ये ना डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट टैब्स वगैरह का फर्क होता है। ये देखें, करंटली सर्विसेज का सेक्शन है मेरे पास, हम लोग एज अ बिजनेस टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, वेन्यू टेम्पलेट जो है वो यूज कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट, पॉलिटिशियंस, रेस्टोरेंट्स एंड कैफे, शॉपिंग, वीडियो पेज या स्टैंडर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, इंपॉर्टेंट चीज ये है टैब्स। ये टैब्स हैं जो बेसिकली आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो शो हो रहे होते हैं, इसमें से अगर कुछ आप लोग रिमूव करना चाहें तो कुछ रिमूव कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल कम्युनिटी टैब ऑफर्स, ये देखें इसको ऑफ कर देंगे, सेव चेंजेस तो ऑफर खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है, रिव्यूज इसको खत्म कर दिया तो ये यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है, प्लस इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें, शॉप अगर ऊपर जो है वो लेके आना चाहें, सर्विसेज, इसके अलावा जो भी पोस्ट वगैरह हैं उसको आप लोग नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके आना चाहें, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोग जो है वो इनको कर सकते हैं, प्लस अगर कोई और टैब जो है वो ऐड करना चाहें तो ऐड अ टैब में जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स जो है वो आपको जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये देखें, लाइव का टैब मेरे पास मौजूद है, नोट्स, ऑफर, ग्रुप्स, रिव्यूज वगैरह, तो जस्ट एग्जांपल अगर मैं ग्रुप्स का जो है वो टैब ऐड करना चाहूँ तो सिंपली ऐड टैब के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा क्लोज, और यहाँ पे ये ग्रुप्स का मेरे पास जो है वो बटन जो है वो शो हो गया, और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप अगर करके आप लोग ऊपर लेके जाना चाहें तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास ये पहले 3 बटन जो है वो शो हो रहे होते हैं, बाकी सी मोर के अंदर चले जाते हैं,
आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशंस की। अच्छा जी, उसके बाद ये आ रहा है, अक्सर आपने देखा होगा ये, मैं अगर नोटिफिकेशंस ओपन करूं तो ये देखते हैं, ये द डॉग वांस कैजुअल रनिंग, वॉक लैंडर, अनरीड मैसेज, ये मेरे पास सारे पेजेस के जो है वो क्लियर लैंडिंग पेज, रनिंग एड, ये पेजेस के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ यार, मेरे पास ये नोटिफिकेशन, ये रेलिवेंट नोटिफिकेशन जो है वो आ रहे हैं, इवन मैं क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ तो ये मुझे नोटिफिकेशन शो ना हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, गेट अ नोटिफिकेशन ईच टाइम देयर इज एन एक्टिविटी ऑन योर पेज। या आप लोग क्या कर सकते हैं, गेट अ नोटिफिकेशन तकरीबन 24 घंटे बाद, 12 से 24 घंटे बाद आपको मिले, इसको बिल्कुल ऑफ कर दें। ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसने बता दिया यू मे मिस इम्पोर्टेंट अपडेट्स एक्टिविटी इफ टर्न ऑफ, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। जैसे आपको मैसेज मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलना चाहिए या नहीं, ऑन ऑफ की ऑप्शन है, मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। ईमेल की या और उसके अलावा टेक्स्ट मैसेज की ऑप्शन है, सबको ऑफ कर दिया ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन जो है वो ना मिले जो इस तरह से मिल रहे हैं। लेकिन ये हर पेज के लिए आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। एडवांस मैसेजिंग के अंदर अगर जो है वो हम लोग जाएं, तो आजकल मैसेंजर बोट्स जो है वो काफी ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई बोट वगैरह जो है वो ऐड करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि नहीं कर रहे इसलिए इसको एडवांस मैसेजिंग की ऑप्शन को छोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेज रोल्स। पेज रोल्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, और यही मेन चीज है जिसका सबसे ज्यादा वास्ता आप लोगों के साथ जो है वो पड़ेगा। ठीक है, पेज रोल के हवाले से आप लोगों का एक क्वेश्चन भी था उस दिन कि हम लोग जो है वो क्लाइंट के पेज की एक्सेस कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गेट एक्सेस ऑफ पेज। मैंने तीन ऑप्शन बताई थी, पहला आप लोग क्या कर सकते हैं उसको कहें कि टीम व्यूअर एक सॉफ्टवेयर आ या जूम पे आ जाए, और वहां पे आपको जो है वो आप लोग ये उससे स्पेसिफिक एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड वन है लॉगिन इन्फो जो है वो उससे ले लें फेसबुक की, और वहां से इसके ऊपर काम कर लें। और थर्ड आपके पास ये पेज रोल्स की ऑप्शन है, यहाँ से ये तीन ऑप्शन है जहाँ से आप लोग जो है वो क्लाइंट के पेज की एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टीम व्यू और जूम पे कर सकते हैं काम, सेकंड जो है वो लॉगिन इन्फो जो है वो ले सकते हैं, और थर्ड पेज रोल। अब इनमें मसला क्या है, नॉर्मली जो है वो क्लाइंट जो है वो इन पे आती है, आते ही नहीं है, क्लाइंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, उसके बाद लॉगिन इन्फो क्लाइंट्स के कंसर्न हो गए, इसके हवाले से क्लाइंट्स हैव कंसर्न्स रिगार्डिंग, या दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो क्या हो सकता है, आपको जो है वो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, और बाज़ औक़ात प्रोफाइल जो है वो डिसेबल भी हो जाती है इस वजह से। तो थर्ड सिंपल ऑप्शन है आपके पास पेज रोल, जिसे कि आपको जो है वो फेसबुक पे पेज रोल असाइन कर दें, और आप लोग जो है वो फिर प्रॉपरली काम जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। पेज रोल्स का तरीका क्या है, सबसे पहले जिसको आप लोगों ने पेज रोल असाइन करना है, आप लोग जिसको भी पेज रोल असाइन करेंगे वो आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, उसका नेम लिखना है, जैसे एग्जाम्पल मैं अपना नेम लिखता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट। एडमिन कौन होता है, लाइक जिसका ओरिजिनल जो बिजनेस ओनर है, जिसका पेज है, इसके पास सारी एक्सेस होती है, किसी को भी ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, पेज पोस्ट पब्लिश कर सकता है, एनालिटिक्स देख सकता है, इसके अलावा सारी एक्टिविटीज कर सकता है। एडिटर सिर्फ किसी को ऐड या रिमूव नहीं कर सकता फेसबुक पेज में से, बाकी सारी ऑप्शंस जो है वो सारी चीजें कर सकता है। मॉडरेटर की अगर बात करें तो सिर्फ ये लाइक कमेंट्स मॉडरेशन में या इस तरीके से जो है वो ये काम कर सकता है। एडवर्टाइजर जस्ट ऐड बना सकता है। एनालिस्ट जो होता है वो सिर्फ लाइक इनसाइड बटन्स और इस तरीके से इनसाइट्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा,
एक और मसला यहाँ पे होता है, जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करेंगे या पासवर्ड पूछेगा आपसे, तो नॉर्मली क्लाइंट्स को पासवर्ड अपना याद ही नहीं होता, तो ये थोड़ा सा मसला होगा। इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है, और उसके बाद आप लोगों को पेज की एक्सेस मिल जाएगी। तो अगर पेज पे आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने हमेशा एडिटर की एक्सेस जो है वो लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है पीपल एंड अदर पेजेस। या अभी ये ऑप्शन हमारे पास, ये देखें अभी ये जितने लोगों ने जो पेज को लाइक किया होगा वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। तो अगर किसी को आप लोग जो है वो ब्लॉक करना चाहें, बैन फ्रॉम पेज आ रहा है, रिमूव फ्रॉम पेज लाइक्स, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो जितने लोगों ने आपके पेज को लाइक किया होगा यहाँ पे शो होंगे, यहाँ से आप लोग किसी को भी जो है वो बैन कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम उस बंदे को मेरा पेज जो है वो नजर ही ना आए, कोई पोस्ट ना शो हो, तो आप लोग उनको बैन कर सकते हैं। प्रेफर्ड पेज ऑडियंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, प्रेफर्ड पेज ऑडियंस जो है वो क्या होती है, अब हम लोग ये ऑप्शन नहीं कर सकते, ये देख लें। टू सिंप्लीफाई अवर सेटिंग्स वी हैव रिमूव्ड द पेज प्रेफर्ड ऑडियंस फीचर व्हिच पेज ओनर्स कुड एडिट टू सिलेक्ट हु दे मोस्ट लाइक टू कनेक्ट विद। यू कैन स्टिल ऐड एडिट कंट्री एज रेस्ट्रिक्शन टू योर पेज और दिस दिस दिस, ठीक है। उसके बाद ऑथराइजेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब नॉर्मली जो है वो क्या होता है, आपके पेज के ऊपर जो है वो सबसे पहले लाइक प्रिपेयर टू रन पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज के एड्स वगैरह जो है वो मैं क्या करता हूँ, अभी सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एड्स के हवाले से अब ये पाकिस्तान आ गया, और ये ऑथराइज कौन सा ऑथराइज है, बंदा कंफर्म योर आइडेंटिटी। अगर जो है वो ये नॉर्मली ऑथराइजेशन जो है वो यूज होता है पॉलिटिकल सोशल इश्यूज या इलेक्शन रिलेटेड एड्स के लिए। तो अगर आप लोग किसी सोशल इशू के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्शंस पॉलिटिकल एड्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप लोगों को ये अपनी वेरिफिकेशन जो है वो करवानी पड़ेगी, ठीक है। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये आपने याद रखना है, पॉलिटिकल कंपेन्स आप लोग यहाँ से पाकिस्तान से हैंडल नहीं कर सकते। सिर्फ उस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि क्लाइंट की प्रोफाइल वेरीफाइड हो और वो आपके पास उसकी लोकल इंफॉर्मेशन हो। अपनी प्रोफाइल से आप लोग पॉलिटिकल एड्स यूएस के लिए, यूके के लिए रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अभी मैंने पाकिस्तान के लिए किया, तो यहाँ से गेट स्टार्टेड पे आएगा, इसमें आपका पासपोर्ट आईडी या नेशनल आईडी कार्ड नंबर और फर्दर जो है वो आपसे चीज़ें होंगी, आप लोग इनको जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आइडेंटिटी कंफर्म होगी, सेकंड स्टेप है लिंक योर एड अकाउंट, जो एड अकाउंट होगा उसको आप लोगों ने लिंक करना है, जहाँ से आप सोशल इश्यूज इलेक्शन पॉलिटिकल कंपेन्स रन करना चाहते हैं, और इसी तरह इंस्टाग्राम की ऑप्शन है, ठीक है। ब्रांडेड कंटेंट में हम लोगों ने नहीं जाना है, इसको मैं जो है वो स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन है इंस्टाग्राम। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम भी है और उसको करना चाहें, तो यहाँ पे सिंपली कनेक्ट अकाउंट के ऊपर जाएं, यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों का इंस्टाग्राम का बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो आप लोगों ने इधर जो है वो पुट कर देना है, और ये पेज के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। व्हाट्सएप अगर भी आप अटैच करना चाहें, तो आप लोग अपने फेसबुक पेज के साथ व्हाट्सएप भी जो है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपका वो नंबर व्हाट्सएप बिजनेस के साथ जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, पर्सनल व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस के साथ अटैच होना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना जो है वो जो भी कंट्री होगा, ठीक है, आप जस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान मैंने लिखा, यहाँ पे फोन नंबर जो है वो आप लोग लिख देंगे, कोड आएगा, उस कोड को आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है, तो आप लोग व्हाट्सएप बिजनेस के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये डिफरेंट चीजें फीचर्ड क्रॉस पोस्टिंग आ रही है, पेज सपोर्ट इनबॉक्स, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, इनमें नहीं जाना। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री की अगर बात करें, तो जितने भी प्रीवियसली एडमिन एडिटर एडवर्टाइजर वगैरह रहे हों वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी देख लें, सिर्फ अगेन सिर्फ और सिर्फ जो मेरा प्रोफाइल जिस नेम से बनाई हुई है वही जो है वो शो हो रही है। एक्टिविटी लॉग की अगर बात करें, तो यहाँ पे जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज हुई, ठीक है, वो आपके पास जो है वो आ जाएंगे। लेकिन ये नॉर्मली जो है वो आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट होती है, पेज से रेलिवेंट जो है वो नहीं होती।
तो अभी फेसबुक पेज मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन, इस चीज को अभी मैंने जो है वो डिस्कस किया है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं ताकि मैं उसका जो है वो आप लोगों को रिस्पांस दे दूं। तो अगेन फेसबुक पेज मैनेजमेंट से रेलिवेंट जितनी भी चीजें थी वो मैंने आप लोगों से डिस्कस अभी की हैं। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन अभी यहाँ तक है तो मुझे बताएं ताकि मैं उस चीज को आप लोगों को जो है वो आंसर उसका जो है वो दे दूं। जल्दी से मुझे जो है वो बता दें और ताकि मैं जो है वो उसको जो है वो देख लूं। जी नो क्वेश्चन अभी तक। अच्छा, ऊपर वाले जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं उनका मैं आंसर दे दूं। सेक्शन में चेंजेस ये नहीं है। अच्छा जी, ये हो चुका है। नो क्वेश्चन सर, दो दो वालों के आंसर ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो ऑल सेट जो है वो सब लोगों ने बोल दिया है और वाकई उम्मीद भी मैं कर रहा हूँ कि यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैं बड़े लाइक सिंपली जो है वो ये चीजें लेके चल रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास, पोर्टफोलियो बिल्ड करना। अब इसके हवाले से कुछ जो मेरी सजेशंस है वो मैं दे देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज के ऊपर चलेंगे। पोर्टफोलियो, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है ना टाइम है चीजें बनाने का। जस्ट इन केस हम लोगों ने अपनी गिग बना ली फेसबुक पेज क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, क्लाइंट हमारे पास आया और उसने कहा है कि मुझे आपकी गिग काफी अच्छी लगी है और अगर जस्ट इन केस अगर जो है वो आप जो पोर्टफोलियो प्रीवियसली मुझे वो दिखाएं कितने पेजेस पे आपने काम किया हुआ। डिस्क्रिप्शन में तो आपने लिखा है डजन ऑफ पेजेस, स्टार्ट में डजन ऑफ पेजेस से काम चलाएं, फिर हंड्रेड ऑफ पेजेस भी आएगा, फिर थाउजेंड ऑफ पेजेस भी इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। तो अभी हमने लिखा आई हैव वर्क ऑन डजन ऑफ पेजेस, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं अभी जस्ट इन केस। अभी जो इस वीडियो के ऊपर जो है वो 20 लोग जो है वो लाइव है जो इस वीडियो को जो है वो देख रहे हैं अभी, ठीक है। और हर एक ने अपना अपना पेज बनाया है, 20 पीपल एंड हैव वन पेज, हर एक का एटलीस्ट एक एक फेसबुक पेज है, ठीक है। हर एक का एक एक पेज जो है वो है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली पेज रोल्स में जाएं, उसके बाद आपस में एक दूसरे को असाइन एज एडिटर टू ईच अदर, ठीक है। अगर आप ये छोटा सा एक काम कर लें तो हर बंदा क्या होगा, एवरीबॉडी हैज 20 केजीज इन हिज। अच्छा जी, अब ये इस चीज को मैं ज्यादा आसानी के साथ इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 लोग हैं अभी, ठीक है, और हर एक के पास एटलीस्ट एक पेज तो है जो फेसबुक पेज बनाया हुआ है। अगर आप लोग सारे आपस में एक दूसरे को रोल असाइन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, हर बंदे के पास जो फेसबुक पेज लिस्ट होगी वहां पे एटलीस्ट 20 पेजेस हर बंदे के पास आ जाएंगे। और अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे पोर्टफोलियो दिखाओ, आपने जो प्रीवियसली काम किया हुआ है, किन पेजेस के ऊपर किया हुआ है, तो आप लोग आसानी के साथ जो है वो दिखा सकते हैं कि ये देखें जी, मैं ऑलरेडी 20 पेजेस की एक्सेस है और इन पेजेस के ऊपर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। और अगर आप लोग प्रॉपरली हर बंदा अपने अपने पेज के ऊपर जो है वो काम कर रहा होगा
लाइक अगर क्लाइंट को पेज चेक भी कर लेता है तो उसको पता होगा यार ये बाकी प्रॉपरली काम हो रहा है, और आप लोग बहुत अच्छे एक फेसबुक पेज मैनेजर हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी सजेशन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं ये भी कहता होता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मेरा 10th बैच है हीरोज कार में, आप लोग जो है वो ये काम नहीं करते, बहुत दुख के साथ जो है वो कहना पड़ता है, हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। दोबारा इस वर्ड को मैं जो है वो कहता हूँ कि हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना है, हम लोगों ने किसी का जो है वो ना किसी को जो है वो रिस्क देना है, ना हम लोग ये कहने वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से बेस्ट ऑप्शन करनी है। ठीक है, हमारे माइंड में जो है वो ये आ रहा होता है मैं किसी को एक्सेस जो है वो क्यों दूँ, मैं किसी के पेज को लाइक क्यों करूं, मैं किसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करूं, माइंड में ये चल रहा होता है, लेकिन एट द बैक एंड अगर जो है वो सोचें तो आप सबके लिए ये विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो लास्ट में माइंड के अंदर रखें, यहाँ तक अभी मैं क्वेश्चन ले लूँ उसके बाद नेक्स्ट चलूंगा। ओके सर, इफ वी हैव एनी डिफिकल्टी कांटेक्ट सर। ठीक है जी, मार साहब जब मर्जी आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं या मेरी टीम यहाँ पे जो है वो मौजूद होगी, अतीक साहब आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, नुसरत साहब वो इंशाल्लाह जो भी डिफिकल्टी होगी वो दूर कर देंगे। सर मेरी FB का इंटरफेस डिफरेंट शो हो रहा है और एयरटैब का ऑप्शन नहीं आ रहा। हसन साहब ये चीज जो है वो इंटरफेस चेंज हो रहा है, तो या तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो नुसर साहब को या अतीक साहब को सेंड कर दें, तो वो आपको यहाँ से आगे फर्दर गाइड कर देंगे कि वो किस तरीके से आप लोग उस जगह पे जाएंगे। मुश्तबा साहब वी आर नॉट क्लियर येट, इंशाल्लाह जब काम स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगी। मुश्तबा साहब मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि ये जो मैं ऑप्शन साथ साथ बता रहा हूँ तो इसको साथ साथ परफॉर्म करें, जिस तरह ये अभी लाइक हसन अली साहब साथ साथ कर रहे हैं, तो जो भी परेशानी हो रही है वो एटलीस्ट हम लोग साथ साथ रिजॉल्व करते हैं, तो इस क्लास का मेन मकसद ही उस टाइम क्लियर होगा जब हम लोग साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि जो प्रॉब्लम आ रहे हैं हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि तो ये चीज़ें आप लोग वैसे भी सीख सकते थे। मेन हमारा जो एम है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है वो रिजॉल्व करें। अपने पेजेस पे कौन सा कंटेंट डाल सकते हैं रिजवान साहब, ये डिपेंड करता है आपने किस किस्म का फेसबुक पेज बनाया है, उसका टॉपिक क्या है, बिजनेस नेचर क्या है, वो सारी चीजें देखने के बाद आप लोग उस पे जो है वो कंटेंट के से रेलिवेंट जो है वो डालेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह यही होगा, पेज को मैनेज कैसे करना है, पोस्टिंग वगैरह का तरीका जो है मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन कंटेंट किस किस्म का डालना है प्योरली प्योरली आप पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, आपने बताया था कि जब पेज बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे नोटिफिकेशन आएगा, जी अभी नोटिफिकेशन क्योंकि हमने पोस्टिंग वगैरह एटलीस्ट नहीं की, जब पोस्टिंग वगैरह भी करेंगे तो उसके बाद वो नोटिफिकेशन आएगा, अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जनाब खान साहब सर क्या हम 20 लोगों को एडिटर बनाएंगे, जी आप लोग जितने चाहे मर्जी एडिटर जो है वो बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। यू सी द सेटिंग वी आर नॉट क्लियर। ठीक है मुश्तबा साहब, अगेन मैं यही कहूँगा साथ साथ जो है वो इसको जो है वो प्रैक्टिस करें ताकि जो भी आप लोगों की चीज़ क्लियर नहीं हुई तो वो इंशाल्लाह क्लियर कर दें। जी रिजवान साहब, हसन साहब और गौर साहब, ये लाइक वर्ल्ड वाइड डिलेमा है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग जो है वो हेल्प कर दें तो उससे इंशाल्लाह हम सबका फायदा होगा, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। मतलब कि रोल्स में जाके 20 एडिटर असाइन करके, जी रोल्स में जाएं और इस चीज का फायदा आपको तब होगा राबी साहिबा जब आपको भी जो है वो कोई रोल असाइन करेगा। अगर आप 20 रोल्स असाइन कर देती हैं और आपको कोई रोल असाइन जो है वो नहीं करता, जो कि होने वाला है आप लोगों के साथ भी, तो फिर फायदा नहीं है उन 20 लोगों का, क्योंकि मेन आप लोगों का पोर्टफोलियो उस टाइम बिल्ड होना है,
जब आप लोगों को जो है वो एक्सेस मिलेगी 20 पेजेस की, आपके पेज ये जो साइट पे आपके पास पेजेस आ रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊँ अभी, ये मेरी प्रीवियस प्रोफाइल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, तो ये न्यू प्रोफाइल बनाई है, तो ये डिफरेंट पेजेस की अभी मेरे पास एक्सेस है। तो ये चीज क्लाइंट के लिए अट्रैक्टिव है कि कितने पेजेस के ऊपर जो है वो आप लोग काम किया हुआ है या काम कर रहे हैं, ये चीज क्लाइंट के लिए अट्रैक्टिव है। तो सिर्फ रोल साइन ही नहीं करना, आगे से रोल आप लोगों को भी जो है वो लोग साइन करेंगे, तो फिर ही उस चीज का जो है वो फायदा है। शफकत साहब ठीक है, चार्जिंग फुल, लेकिन जिन चीजों पे मैं आप लोगों को कंसंट्रेट करवाना चाह रहा हूँ, काइंडली उन पे जो है वो फोकस करें, बाकी चीजें जो है वो छोड़ दें, इररिलेवेंट चीजों में जो है वो ना जाएं। ऑलवेज द कलेक्टिव एफर्ट टू सर हो आई मेक अ डिटर टू रिजवान साहब, सबसे पहले अगेन जो जिसको भी आपने एडिटर बनाना है वो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड होना चाहिए, फिर आप लोग एडिटर बना सकते हैं। क्या सब लोग फ्रेंड लिस्ट हो? जी, फ्रेंड लिस्ट में जो है वो लाजमी होना पड़ेगा, फिर ही ऐड कर सकेंगे। एड ईच अदर एज अ फ्रेंड एंड यू कैन डू दैट। पर अल्टीमेटली एसईओ से ही फेसबुक पेज रैंक करता है, अगर पेज 20 हो तो। मुश्तबा साहब, एसईओ को इतनी ज्यादा डिपेंड नहीं करती फेसबुक के लिए, ये जो है वो माइंड में रखना है, ठीक है। इवन अभी जो है वो लाइक्स भी इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, प्रीवियसली होता था यार इस पेज के 1 लाख लाइक्स हैं, 2 लाख लाइक्स हैं, तो मैं क्योंकि डेली बेस पे काम कर रहा हूँ, अब तो लाइक्स भी मैटर नहीं करते, एसईओ तो बहुत पीछे जो है वो रह गई है। क्या सब लोग एग्री हैं? जी, ये आप लोग आपस में अब डिस्कशन जो है कर रहे हैं, एवरीवन चूज डिफरेंट निश ऑफ देयर फेसेस इंशाल्लाह सर, ठीक है। तो अगेन जो है वो मैं बता रहा था आप लोगों को, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ये चीज जो है वो जरूरी है, इस चीज को लाजमी करें। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट मैं चीज के ऊपर आता हूँ। ये तो हो गया, एवरीबॉडी हैज 20 पेजेस इन हिज और हर पोर्टफोलियो। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होगी, अगर आप लोग जो है वो लाइक भी कर दें एक दूसरे के पेज को, तो एटलीस्ट अभी लाइक मैं यही कहूंगा अगेन, 22 लोग मेरे पास हैं जो कि लाइव इस टाइम वीडियोस में बैठे हुए हैं, तो हर पेज के ऊपर एटलीस्ट आप लोगों को 20 लाइक्स तो मिल गए। अगर आप लोग एक दूसरे के पेजेस को खुद से ही लाइक कर दें, बजाय किसी और को जो है वो आप लोग डिफरेंट ग्रुप्स में जाके मिन्नत तरले कर रहे हो, मेरे पेज को लाइक कर दें या इस तरीके से, तो 20 लाइक्स तो आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। और प्लस एक चीज और है, स्टार्ट में जब मैंने बताया था यूजर नेम के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट आप लोगों के पास जो है वो 30 लाइक्स जो है वो होने चाहिए, तो वो 30 लाइक्स भी आप लोग आपस में ही जो है वो अगर एक दूसरे के पेज को लाइक कर दें तो वो 30 लाइक्स ले सकते हैं। प्लस डिफरेंट जो पेजेस वगैरह बने ग्रुप्स बने होते हैं, जो प्रीवियस बैचेस के भी हमारे ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे भी अक्सर लोगों को स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोजेक्ट मिले होते हैं। क्लाइंट क्या कहता है कि मुझे जो है वो 20 जो है वो सॉरी 100 लाइक्स ले दो, 1000 लाइक्स जो है वो इस पेज के ऊपर चाहिए, और स्टूडेंट्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो इन ग्रुप्स का यही फायदा है, अगर आप लोग एक दूसरे की हेल्प करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो बजाय किसी और की मिन्नत तरले करने से बेहतर है खुद से जो है वो आप लोग ये काम जो है वो कर लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है जी, ये डिफरेंट चीजें जो है वो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है, ये जितनी भी अभी तक हमारी डिस्कशन थी वो सारी थी फेसबुक पेज क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये पार्ट जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फेसबुक पेज क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब सारी चीजें जो है वो आप पे डिपेंड करती हैं, किस तरीके से जो है वो आप लोग इसको आगे फर्दर जो है वो लेके चलते हैं, और किस तरीके से जो है वो अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। एसईओ की बात की तो किस तरीके से पेज डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या
अंदर आप लोग जो है वो अपने मेन कीवर्ड्स को जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक जो है वो ये एक जो है वो हमारी स्किल सिर्फ फेसबुक पेज क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन से रेलिवेंट हम लोग सीख चुके हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फेसबुक पेज मैनेजमेंट, या दूसरा जो है वो ये समझ लें फेसबुक पेज मैनेजर। ठीक है, ये इंशाल्लाह अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो स्किल करनी है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो गिग क्रिएशन के ऊपर जाएंगे, इनके गिग्स बनाएंगे, और इस तरह जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो हम लोग स्किल्स भी करते जाएंगे और अपनी फ्रीलांसिंग के ऊपर भी जो है वो काम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये चीज, ये हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है, फेसबुक पेज क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को उसका दे दूं। किसी का कोई अभी तक स्टिल क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, ताकि उसको मैं दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन जरूर कर दूं। जी, स्टिल वेटिंग आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है वो मैं वेट कर रहा हूँ, और उसके बाद मीनवाइल मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम में। फेसबुक पेज मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा जी, असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस क्या है? क्रिएट योर फेसबुक पेज एंड ऑप्टिमाइज इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या जो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। सबसे पहले प्रोफेशनल प्रोफाइल इमेज, प्रोफेशनल कवर इमेज, उसके बाद थर्ड बटन, फोर्थ वन आप लोगों ने करना है यूजर नेम, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आप लोगों ने इसकी सेटिंग्स के अंदर जो है वो जाना है, जनरल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स ओवरव्यू करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, जनरल सेटिंग्स ओवरव्यू हो गया। उसके बाद टैब्स जो है वो आपका, टैब्स जो है वो होना चाहिए, जैसे एग्जांपल शॉप, सर्विसेज ग्रुप और आगे सॉन जो भी होंगे। ठीक है, ये पहले 3 नंबर पे आपके जो है वो होने चाहिए। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों ने ऐड करने हैं। ठीक है, अवे मैसेज जो है वो सेटअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने करना है, नोटिफिकेशन वाला, नोटिफिकेशन जो है वो ऑफ करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट 10th नंबर पे पेज रोल्स, पेज रोल्स एटलीस्ट जो है वो 20 पेजेस आपके जो है वो पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उसके बाद पेज लाइक्स की अगर जो है वो बात करें तो वो भी एटलीस्ट 20 पेज लाइक्स होने चाहिए। ठीक है, ये जब मैंने प्रीवियस बैचेस के अंदर लाइक कोरोना से पहले जब प्रॉपर हमारे पास क्लासेस थी तो ये चीजें थी, पेज लाइक्स 100 होने चाहिए और ये आपके पास 30+ जो है वो पेज लोड्स होने चाहिए, ये प्रीवियस असाइनमेंट्स थी, लेकिन अभी इन चीज़ों को जो है वो मैंने कम कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो है वो हम लोग आए, हाँ, पेज इन्फो जो है वो आप लोगों ने सेट करनी है अपनी,
इन्फो ठीक है, इसमें वो वेबसाइट नंबर ऑफ आवर्स और ये चीजें जो है वो सारी आप लोगों ने ऐड कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग आए, मैसेजिंग हो गया, टेम्पलेट नोटिफिकेशंस बता चुका हूँ, पेज रोल्स हो गया, प्रेफर्ड पेज ऑडियंस, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप क्रॉस पोस्टिंग हो रही है, ठीक है जी। ये चीज़ें जो है वो सारी ये असाइनमेंट्स का पार्ट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने फुलफिल करनी है, और ड्यू डेट आज रात तक की आपके पास, ठीक है। और टॉपिक्स जो है वो ये असाइनमेंट्स पे चला जाएगा, ठीक है जी। असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब इसके हवाले से अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि उसको मैं अगेन जो है वो आप लोगों से रिप्लाई जो है वो कर दूं, ठीक है। तो अगेन आप लोगों के कमेंट्स जो है वो देख लो, अच्छा जी। सर क्या ये गिग क्रिएट करें इस पर जी? राबी साहब अगर आज जो है वो आपको पता है कि कैसे क्रिएट करनी, अदरवाइज मैंने अभी क्योंकि गिग क्रिएशन का टॉपिक नहीं करवाया, अब वो इसी वीक मैंने जो है वो करवाना है, तो इंशाल्लाह उसमें जो है वो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थैंक्स दम, ठीक है जी। उसके बाद आई विल मेक द ग्रुप आफ्टर दिस क्लास, अच्छा चलें। एड्स जो है वो हम लोग कब स्टार्ट करेंगे? तो मार साहब एड्स बिल्कुल लास्ट पे हमारा टॉपिक होता है, फेसबुक एड्स वगैरह जो है, तो ये उस टाइम जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। सर हम देखते हैं कि एक ही कंटेंट डिफरेंट पेजेस पे होता है, हम डेटा पेज से ग्रुप से अपने पेज पे डाल सकते हैं जी? अगर आप खुद उनको ऑन करते हैं पेजेस को तो आप उनको पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का जो है वो आप लोगों ने कंटेंट जो है वो पोस्ट नहीं करना, ये चीज़ जो है वो याद रखनी है, ठीक है। इस काम में सबसे बुरी चीज़ कॉपी पेस्टिंग है, कॉपी पेस्टिंग जो है वो हम लोगों ने नहीं करनी। अरे लाइक माई पेज एंड सेंड मी, अच्छा जी ठीक है। माई पेज इज पर्सनल ब्लॉग, उसमें शॉप का टैब नहीं बना सकता, ठीक है जी। अगर पर्सनल ब्लॉग से रेलिवेंट है तो दूसरे डिफरेंट जो है वो टैब आप सिलेक्ट कर लें जी। असाइनमेंट में आप लोगों ने बेसिकली जो है वो लिंक अपना अपना ऐड करना है पेज का, लेकिन उसी टाइम जो है वो लिंक आप लोगों ने ऐड करना है जब ये रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल होंगी। रिक्वायरमेंट्स के बगैर आप लोगों ने पेज का लिंक जो है वो नहीं डालना। ऑलरेडी डन दिस असाइनमेंट, माय पेज इज ऑप्टिमाइज कम्प्लीटली, जस्ट हैव टू ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है जुनेद साहब। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये पेज नया होगा, जो प्रीवियस पेजेस आप लोगों के हैं मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि उनको आप लोगों ने यूज नहीं करना, एटलीस्ट फॉर द असाइनमेंट के लिए आप लोगों ने जो वो न्यू पेज आप लोगों ने यूज करना। अपने यूट्यूब पे पोस्ट वीडियोस कर सकता हूँ जी? आप लोग जो है वो वीडियोस पोस्ट जो है वो मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस पोस्ट कर सकता हूँ जी, आप काशिफ साहब कर सकते हैं, ठीक है। 20 पेजेस पोर्टफोलियो, व्हाट अबाउट इट? ये मैंने जो है वो बता दिया, ये आप लोग स्क्रीनशॉट बेशक इसके ले लें, ठीक है। इसकी बेसिकली पोर्टफोलियो की मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो क्योंकि जो है आप लोग आपस में एक दूसरे को एक्सेस देते नहीं है, तो इसलिए जो है वो मैंने ये एज असाइनमेंट जो है वो आप लोगों की ऐड किया है कि ये एज असाइनमेंट आपके पास 20 पेजेस का पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। सर न्यू पेज है, ठीक है जी। कोई हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस तो नहीं, तो क्या करें सर? प्रीवियस एक्सपीरियंस अगेन मैं यही बता रहा हूँ, ये जो 20 पेजेस वाली मैंने बात आपसे की है वो इसीलिए की है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो बन जाए, ठीक है। कि आपके पास अपने पेज पे कौन कौन सी ऑप्शन शो होती हैं, जिस पेज पे एडिटर की एक्सेस ले रहे हैं उस पे क्या ऑप्शंस हैं,
आगे फर्दर जब पेज को मैनेज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आगे एक्सपीरियंस आता जाएगा, तो इस हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सर 20 पोर्टफोलियो के लिए स्क्रीन शॉट्स लेने हैं या नहीं? वो आपके पास जिस तरह से ये मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था कि जस्ट एग्जांपल ये पेजेस के ऊपर जाएंगे तो आप लोग इसका जो है वो स्क्रीन शॉट जो है वो ले सकते हैं, और स्क्रीन शॉट लेके वो आप लोग बेशक फेसबुक पेज के अंदर जो ग्रुप है वहां पे जो है वो पोस्ट आप लोग कर देना। ठीक है जी, और कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो बताएं ताकि मैं उसका जो है वो रिस्पांस दे दूं। किसी का कोई अभी तक स्टिल प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको जो है वो क्लियर कर दूं। अच्छा जी, मीनवाइल अगेन स्टार्ट में भी मैंने जो बताया था दोबारा बता रहा हूँ, एक तो अटेंडेंस शीट जो है वो मैंने इसी जो पोस्ट लाइव वीडियो है इसके स्टार्ट में जो है वो उसका लिंक दे दिया, अटेंडेंस आप लोग लाजमी मार्क करें। प्लस स्टार्ट में मैंने कुछ नेम लिए थे, अभी भी इनके नेम ले रहा हूँ क्योंकि इनकी किसी किस्म की मेरे पास ना तो कोई इंगेजमेंट आ रही है, ना कभी इनका कोई कमेंट आया, ना इन्होंने कोई चीज़ पूछी और ना ही ये लोग अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, तो हमें फर्दर आगे जो है वो देखना पड़ेगा कि इनका जो है वो क्या करना है। उस इसमें से सिर्फ एक हुमैरा नाज साहिबा हैं जो कि एक्टिवली कमेंट्स इनके आ रहे होते हैं और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप अटेंडेंस क्यों नहीं मार्क कर रहे लोग। ठीक है, तो नेम मैं दोबारा एक दफ़ा जो है वो ले देता हूँ, जिन लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं हो रही गूगल फॉर्म के ऊपर, मलिक उमैर, उस्मान आशिक, अब्दुल कदीर, मोहम्मद हारिस, तैयब खान, तैयबा रांझा, मोहम्मद सुलेमान तारिक, मोहम्मद हामिद जवेद, चौधरी जवाद, यासिर इकबाल, मोहम्मद आकिल, राजा मुनव्वर जरीफ, सिंड्रेला स्पैरो, ब्रेवो ख्वाजा, सकलैन हमीद, जरेर शफीक, यासिर इमरान, अजीम सिद्दीकी, उमर गिल, मोहम्मद तैमूर, वकास अहमद, अहमद कमाल, सैयद परवेज, हसन अली और हुमैरा नाज। हसन अली साहब आप भी लाइक कमेंट्स में तो इंगेज जो है वो हो रहे होते हैं लेकिन अटेंडर्स पता नहीं क्यों नहीं मार्क कर रहे, तो इसको जो है वो काइंडली आप लोग देख लेना। ठीक है जी, सर उनके नेम तो नहीं है अटेंडर्स वाली लिस्ट में। नहीं, ये मैंने जो नेम सिर्फ बोले हैं ये उन लोगों के नेम हैं जो कि लाइक क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, वीडियो व्यूज भी आ रही होती हैं लेकिन ये लोग अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं करते। ठीक है, तो उसके अलावा तो मेरे पेज पर इनऑथेंटिकेटेड इंगेजमेंट का मसला आ रहा है, इनऑथेंटिक इंगेजमेंट, जरा मुश्किल साहब इसको एक्सप्लेन कर दें तो मैं इसका रिप्लाई कर देता हूँ। सर आपने तो यही अटेंडेंस तो मैं वादे करती नहीं जी। जुनेद साहब ने आपको स्टार्ट में बोला था अटेंडेंस दो जगह पे आपकी हो रही है, एक यहाँ पे आप लोगों ने अपने नेम्स कमेंट करने होते हैं प्लस गूगल फॉर्म जो है वो लाजमी है, तो गूगल फॉर्म पे लाजमी अटेंडेंस जो है वो आप लोगों ने जो है वो अटेंडेंस लगानी है। हमारा साहब आप जुनेद साहब से एक दफा डिस्कस कर लेना क्लासेस का, क्योंकि आपका मुझे आइडिया है क्लासेस कमेंट्स वगैरह जिन लोगों के आ रहे होते हैं तो इनके नाम मुझे जुबानी भी याद है, तो वो अटेंडेंस जो प्रीवियस आपकी रह गई है उस हवाले से उनसे डिस्कस कर लेना। मार्बल फार्म साहब, कल का टॉपिक मैंने बताया फेसबुक पेज मैनेजमेंट जो है वो हम लोग किस तरह से पोस्टिंग करते हैं, इनसाइट ऐप, इनबॉक्सेस, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है। हसन अली साहब गूगल फॉर्म पे लाजमी है, तो काइंडली वहाँ पे भी आपका नेम भी उस लिस्ट में मौजूद है तो अटेंडेंस लाजमी है। उसके बाद सर मैं तो डेली लगाता हूँ अटेंडेंस। ठीक है, चले ठीक है, जो लोग अटेंडेंस डेली बेस पे लगा भी रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप लोग जो है वो जो भी अटेंडेंस जो है वो लगा रहे हैं खैर ये चीज़ें जो है वो गेंद देख लेना। तो बाकी इंशाल्लाह कल का टॉपिक मैंने बता दिया, आज की जो रिक्वायरमेंट्स है मैं बता चुका हूँ, आज रिक्वायरमेंट्स जल्दी से जल्दी इसको जो है वो फिल करें और अपनी असाइनमेंट पोस्ट करें ताकि हम लोग टाइम पे उसको देख लें।
सर पेज क्वालिटी में ऑथेंटिक एंगेजमेंट आ रहा है, मैंने तो नई वाली की थी, फेसबुक स्पोर्ट को 2 दफा पर नॉन सक्सेस, यानी कल तो एड्स नहीं लग सके पेज पर ड्यू टू इनऑथेंटिक। मुतबा साहब, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, अगर आपने कोई प्रीवियसली कोई रोबोटिक एक्टिविटीज वगैरह जो है वो की हो, पेज लाइक्स, अनयूजुअल पेज लाइक्स करवाए हो, रोबोटिक पेज लाइक्स वगैरह, या इस तरह की कोई भी ऑप्शन जो है वो अगर आपने यूज किया है, तो उस वजह से ये मसला जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मसला जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट भी जो है वो दीक साहब को या नुसर साहब को सेंड कर देना, तो वो भी उसको जो है वो चेक कर लेंगे और आगे फर्दर जो है वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। मुतबा साहब, पेज को शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग से नहीं रोका, लेकिन शेयरिंग में ये, अगर आप, अब तो फेसबुक में क्या किया है, एक चीज कल मैंने पेज मैनेजमेंट में भी आप लोगों से डिस्कस करना था, डेली बेस के ऊपर मैक्सिमम 5, अभी अगर प्रोफाइल न्यू है, मैक्सिमम 5 ग्रुप्स में पेज को शेयर कर सकते हैं या पोस्ट शेयर कर सकते हैं। अगर ज्यादा करेंगे तो आपकी प्रोफाइल 30 डेज के लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप लोग किसी किस्म की पोस्टिंग या शेयरिंग जो है वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर जरूर रखनी है। मेरा पेज इन्फो पॉइंट नेम से है, तो क्या कर सकते जी, उसमें ऐड जो है वो आप लोग कर सकते हैं, जो भी आपकी रिजवान साहब ऑप्शन होंगी, शेयर जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट में न्यू पेज है, 10 15 20 पे भी आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली बेसिस के ऊपर आप लोग इस तरह से शेयरिंग करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ये आप लोगों ने अपने माइंड में चीज जो है वो रखनी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो आज के जो है वो क्लास का टाइम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अगेन दुआओं में जो है वो हमें, हमारी टीम को याद रखिएगा, ये बेस्ट टाइम है लर्निंग के लिए, तो काइंडली इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। अभी हम लोग क्योंकि ये स्किल कर चुके हैं, नेक्स्ट इसी वीक में हम लोग अपनी गिग्स बना के उस मार्केट के अंदर एंटर होने जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों के ऑलरेडी हजारों जो है वो कंपेटिटर्स मौजूद है, तो इसलिए इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को ना हो। तो जितने भी प्रॉब्लम होंगे कल एक दफा मैं दोबारा आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, तो इसलिए जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी वही जो है वो क्वेश्चन पूछ सकेंगे, दूसरे क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकेंगे। तो काइंडली इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकें। तो अगेन कल तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज, और गूगल क्लास लिंक ऑलरेडी जो है वो शफकत साहब क्लास लिंक शेयर कर चुका हूँ मैं, तो दोबारा से आप लोग देख लेना, classroom.google.com में जो है वो आपने जाना है, और वहाँ पे जाके जो है वो प्लस बटन के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है, उसके बाद जो है वो आपसे जो है वो क्लास आईडी पूछी जाएगी। क्लास आईडी आगे मैंने शेयर की थी, ये क्लास आईडी है QKF6F4Z। ठीक है, इस आईडी के साथ आप लोगों ने क्लास को जो है वो गूगल क्लास को जो है वो ज्वाइन कर लेना, अगर ऑलरेडी आपने जो है वो ज्वाइन नहीं किया होगा। ठीक है, तो अगेन अब आप लोगों से जो है वो मैं, मेरी टीम जो है वो इजाजत चाहते हैं, कल इंशाल्लाह जो है वो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।